हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट टू। एंड इससे पहले जो है हम क्लास 9th की भी जो एनसीईआरटी है उसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड उस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। एंड इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि जो 9th एंड 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसमें हम जो है ना इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट फीचर है, उनके बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर था अबाउट द साइज, अबाउट द लोकेशन, राइट, एंड लैटिट्यूडल लोकेशन हो गई, लॉन्जिट्यूडल लोकेशंस हो गई, उनके बारे में बात की थी। एंड जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो हमारे भारत से होके गुजरती है, तो इन के बारे में हमने देखा था। फीचर्स देखे थे, लेंथ देखी थी, ब्रेथ देखी थी, राइट। आफ्टर जो है कुछ फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं इंडिया के। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स है, आपको यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, डेजर्टेड एरियाज देखने को मिलेंगे, प्लेन एरियाज देखने को मिलेंगे, एंड इवन पेनिनसुलर पार्ट भी जो है यहाँ पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। फिर वो चीजें देखी थी। फिर आ जाता है आपका 3rd नंबर पे ड्रेनेज, ठीक है। ड्रेनेज पे जो है रिवर सिस्टम हो गया इंडिया का, राइट। रिवर सिस्टम किस तरह का है, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो गया, उनके बारे में देखा था। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑल्सो, राइट। क्लाइमेट किस तरह का है, तो एज यू नो डैट कि इंडिया का जो क्लाइमेट है इट इज ऑफ द मानसून टाइप, ठीक है जी, ये मानसून टाइप का क्लाइमेट है। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट दी वेजिटेशन ऑल्सो, एंड इंडिया में वेजिटेशन कितने टाइप की जो है वो देखी जा सकती है। एज यू नो कि इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, तो वेजिटेशन में भी जो है आपको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे। आफ्टर दैट जो है आपको वेट डिसाइडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ड्राई डिसाइडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी वेजिटेशन में। एंड अगर आप माउंटेन्स पे जाएं तो वहां पे किस तरह की वेजिटेशन है, प्लेन एरिया में किस तरह की है, तो ये सारी चीजें देखी थी। फिर आ जाता है आपका पॉपुलेशन, राइट। इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो किस तरह की है, एंड पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। सेक्स रेशियो हो गया, वो चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी कि अभी जो है किस तरह से जो है लड़कों एंड लड़कियों के बीच में जो डिफरेंस एक समय में यहाँ पे देखा जाता था, क्या अब वो खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो सारी चीजें हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, वो चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी, ठीक है। आफ्टर दैट जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में बात की थी अबाउट दी जो आपके रिसोर्सेज होते, राइट। इंडिया में कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है आप देख सकते हो, उसके बारे में बात की थी। फिर आपका जो है आ गया यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, राइट। फॉरेस्ट एंड इवन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है, ये इसका 2nd चैप्टर था, वो हमने कवर किया था। फिर आ जाता है जो आपका वाटर रिसोर्सेज, राइट। 3rd चैप्टर में हमने जो है वाटर रिसोर्सेज के बारे में जो है बात की थी। एंड 4th चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो 4th चैप्टर जो है इसे हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। एग्रीकल्चर जो है आपको पता है कि मोस्टली जो हमारी इकोनॉमी है, राइट, इकोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर जो है ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। मेजर क्रॉप्स यहाँ पे देखी थी, सभी डिफरेंट क्रॉप्स के पैटर्न के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। सीजन्स किस तरह से होते हैं, रापी क्रॉप्स होगी, या वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो सारे चैप्टर्स कवर करने हैं तो आप प्रीवियस जो है सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देख सकते हो, राइट। अभी हम बात करेंगे डेट की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर जो है, राइट, उसका नेशनल इकोनॉमी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड आउटपुट जो है इसका क्या आ रहा है। तो एज यू नो डेट कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का जो है एक बैकबोन है, एंड इसका जो जीडीपी है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, तो हाउएवर जो है 1951 से जो है अभी थोड़ा सा डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। जीडीपी में जो है इसका जो हिस्सा है ना एग्रीकल्चर का, वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो अभी रिसेंटली 2011 में भी जो है सेंसस हुआ था, उसमें ये पता चला था डेट की 54.6% जो टोटल वर्क फोर्स है ना हमारे इंडिया की, टोटल वर्क फोर्स का जो 54.6% है वो एग्रीकल्चर एंड उसके जो एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज होते हैं उसी एंगेज्ड हैं, ओके।
तो ये जो है इंडिया की हाफ से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, एंड ये जो सारी क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर की वजह से जो है डिपेंडेंट है जस्ट अपने सस्टेनेंस के लिए, कि अपना जो है डेली नीड्स उनकी हो जाए, एंड फिर एग्रीकल्चर में जो है ना ये व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट अपना जो है डेली नीड्स जो होती है ना वही जो है ये फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि जीडीपी में जो है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो शेयर है ना वो कम होता जा रहा है, तो ये एक सीरियस कंसर्न है। बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, स्टेग्नेशन हमें देखने को मिलता है, तो जो अदर सेक्टर्स है ना जो इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसका जो है ना सोसाइटी के ऊपर जो है बहुत बड़ा एक इम्प्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट, सो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज दी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो है इम्पोर्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना उन्होंने एक काफी अच्छे जो है एफर्ट्स यहाँ पे किए हैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, वेटनरी सर्विसेस होगी, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हो गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट हो गए। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है स्टार्ट किए गए हैं, एंड सो डैट कि यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर को जो है ना प्रायोरिटी मिल सके, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एंड इवन इंडिया के जो लोग हैं, राइट, जो हमारी वर्किंग फोर्स है ना वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 54.6% जो वर्क फोर्स है ना वो एग्रीकल्चर में है। अब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द सेम। तो बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स तो ये यहाँ पे ओपन किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस अलावा जो है ना जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी करने की जरूरत है, तो उसे भी जो है ना इसेंशियल माना गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सो एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन आउट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी कई सारे इनिशिएटिव्स जो थे वो यहाँ पे स्टार्ट किए थे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है स्टार्ट किया गया था। तो अगर आपको पूछा जाए डैट कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस सेक्टर में स्टार्ट किया है, सो इट इज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। राइट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रॉम द टेबल 4.1 हम यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका टेबल 4.1, इसमें जो है ना इंडिया की ग्रोथ रेट जो है एंड मेजर सेक्टर्स की परसेंटेज भी बताई हुई है, वो भी ईयर वाइज 2013-14 में, 14-15 एंड 15-16 में। तो एग्रीकल्चर का जो है ना 4.2% जो है शेयर रहता था पहले जीडीपी एग्रीकल्चर का इतना था, बट 2014-15 में जो है ये -0.2 हो गया, एंड उसके बाद में अभी जो है ये 1.1% ही हो गया जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर। बाकी इंडस्ट्री का शेयर तो जो है यहाँ पे 7.3 हुआ है 15-16 का, जो है इकोनॉमिक सर्वे है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सर्विसेज जो है उसका भी जो है 9.2% हुआ है फ्रॉम द 10.3%। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है ना यहाँ पे जीडीपी वो क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है बच्चे। ठीक है, वो डिक्लाइन हो रहा है, तो ये जो है एक सीरियस कंसर्न है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो टेबल 4.1 से हमें ये क्लियर है डैट की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इन ओवर द ईयर्स, ठीक है, ओवरऑल जीडीपी जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल जीडीपी जो है ना वो तो यहाँ पे इंक्रीज हो, ओवरऑल तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, बट इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो यहाँ पे सफिशियंट नहीं है। राइट, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट है मैंने आपको बताया कि वो क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो इंडियन फार्मर्स है ना उन्हें बहुत बड़ा चैलेंज जो है फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इज डिक्रीज। क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा सब्सिडी जो है दी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, अभी वो भी डिक्रीज कर दी गई है, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है ना वो इंक्रीज हो चुकी है। सो मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो अभी जो दूसरी कंट्री से
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो इम्पोर्ट किया जा रहा है ना, तो हमारी कंट्री में जो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती थी वो भी रिड्यूस कर दी गई है। लोकल मार्केट है ना उसके साथ जो है ना कंपटीशन फिर फेस होता है यहाँ पे, ठीक है, लोकल मार्केट को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये जो चीज है ना वो एग्रीकल्चर जो है वो उसके लिए डेट्रीमेंटल है हमारी कंट्री में। ओके, सो फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर। अब क्या हो रहा है कि फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर में ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो विदड्रॉ करते जा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को वो छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो इम्प्लॉयमेंट एक समय हुआ करती थी ना 54.6% हमने देखा है, ठीक है, यहाँ पे जो है इनकम अब यहाँ पे नहीं हो, ठीक है, इनकम नहीं हो रही है। जो एग्रीकल्चर यहाँ पे कर रही है ना वो किस कर रहे हैं, सस्टेनेंस के लिए कर रहे हैं कि जस्ट जो है उनकी जो डेली नीड्स है ना वो ही यहाँ पे फुलफिल हो जाए। एंड हम जो है ना इकोनॉमी में तो इसका कोई भी हम बोल सकते कि अर्निंग यहाँ पे कोई नहीं हो है, ठीक है। तो व्हाई फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो अभी जो है ना रिसेंटली आप देखते भी होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, न्यूज को सुनते होंगे, तो आप देखते होंगे कि अब फार्मर्स जो है ना वे सुसाइड करते जा रहे हैं। सेवरल स्टेट में ऐसे इंसिडेंट सामने यहाँ पे आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी ग्लोबलाइजेशन का भी जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर काफी इम्पेक्ट पड़ा है, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन है ना, ऐसा हमें लगता है कि ये जो है एक नए इरा का एक नया वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, बट ये जो है नया फिनोमिना नहीं है। जब कॉलोनाइजेशन का पीरियड था ना, जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में थे, उस समय में भी जो है ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे था। तो इन द 19th सेंचुरी जब यूरोपियन ट्रेडर्स भारत में आए थे, ठीक है, उस समय में भी जो इंडिया के स्पाइसेस थे उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो साउथ इंडिया के फार्मर्स थे उन्हें इनकरेज किया जा रहा था कि इन क्रॉप्स को वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। कौन से क्रॉप्स? यहाँ पे जो स्पाइसेस हो गए, ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना क्या हो रहा था, इसका जो है एक्सपोर्ट इंडिया से होता जा रहा था, ठीक है जी। तो टिल टूडे इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एंड आज भी अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो आज भी जो है ये एक इम्पोर्टेंट आइटम है फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। एंड उसके अलावा यहाँ पे स्पाइसेस के अलावा जो कॉटन बेल्ट है हमारे इंडिया की, कॉटन बेल्ट कहने का मतलब कि जो यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज हो गए, ठीक है, तो उससे भी जो है ना ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया था। एंड अल्टीमेटली कॉटन जो थी वो फिर यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही थी टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल जो है इन्हें यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था। तो वहां पे जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री थी वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ना उसमें एज ए रॉ मटेरियल किया जा रहा था, ठीक है। तो जो मैनचेस्टर एंड लिवरपूल की ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो फ्लरिश हुई थी, किसकी वजह से? क्योंकि इंडिया से गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन जो था वो वहां पे पहुंच रहा था, ठीक है। तो स्पाइसेस के लिए, कॉटन के लिए जो है ना यहाँ पे उस समय में कॉलोनाइजेशन के पीरियड में जो है किसके ऊपर डिपेंड थे ब्रिटिशर्स? वो इंडिया के ऊपर ही डिपेंड थे। तो आपने चंपारण मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, 1917 में जो स्टार्ट हुई थी बिहार में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दो ये क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है, राइट। चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1917 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? बिहार में स्टार्ट हुई थी। ये चीजें आपको फोकस करनी है। तो क्या था यहाँ पे, क्यों स्टार्ट हुई थी? बिहार चंपारण के जो लोग थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो जो है ना वो आप ग्रो करिए अपनी लैंड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिगो था, इंडिगो क्या होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर जो यहाँ पे लगाया जाता है ना कपड़ों को, तो ये ब्लू कलर होता है। तो इससे इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत थी, तो वो जो है इंडिया में ही इसकी खेती करवाना चाहते थे। तो लोगों को जो है ना जबरदस्ती इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला जा रहा था। एंड क्या था कि वो फिर उनके खेत में जो है इंडिगो की प्रोडक्शन हो रही थी, बोया हुआ था, तो जो फूड ग्रेन्स होते हैं ना जो उन्हें अपने खाने के लिए चाहिए थे या फिर जिसे वो बेच सकते थे, जिससे उन्हें अच्छा रेट मिल सकता था, वो जो है अवेलेबल वहां पे नहीं थे, जिससे जो अपनी फैमिलीज को सस्टेन कर पाते, ठीक है। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, अब 1990 के बाद में अब क्या था कि इस समय में भी है फार्मर्स को कई सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस का, बट फिर भी हमारे जो इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद डेवलप्ड कंट्री। उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्हें जो है ना सब्सिडाइज एग्रीकल्चर है, वहां सब्सिडी मिलती है, राइट, इंडिया में सब्सिडी। सो टूडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इट सेल्फ एज दी क्रॉसरोड्स। सो टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्पोर्टेंट
ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड दिस फार्मर्स, जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है ना, उनमें उनकी कंडीशन को इम्प्रूव हमें है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, फिर वो भी हमें, हमने देखा था राइट, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचा था। बट आज भी, जो आज की डेट अगर हम यहाँ पे बात करें ना, एट प्रेजेंट 2022 हम यहाँ पे बात करें, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे जो है ना, उसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वैसे लैंड डिग्रेडेशन है, क्योंकि हम केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड एको फायर्स जो होते हैं जो है, वो हम यहाँ पे यूज जो है, वो खराब होते जा रहे, ड्राई होते जा रहे हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी वैनिश होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, वो कौन सी है, रेवोल्यूशन, जिसमें हम जेनेटिक देते हैं, ठीक है। तो इसके भी अभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो अब जो है ना, कैन यू नेम एनी जी मॉडिफाइड सीड वास्टली इन, मॉडिफाइड सीड यहाँ पे यूज किया जाता है इंडिया में, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें यहाँ पे इंडिया में अभी जो है ना, एक और रिसेंट नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है। तो ये क्या होता है, विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स के किया जाता है, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, एंड ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट नहीं करता है नेगेटिव, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था बच्चे, यहाँ पे जस्ट आपको जो ये पता होना चाहिए, उसमें जो है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो थे वो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे थे। इसके लिए पेस्टिसाइड ये यूज करते थे, सो डैट कि यहाँ पे जो है ना, ग्रो एक तरह से प्रोडक्शन जो है ना, वो यहाँ पे ज्यादा हो सके, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो सके, उसे इंक्रीज करने के लिए पेस्टिसाइड यूज किए थे। बट इन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी जो लैंड है ना, वो खराब होती जा रही है। तो अब जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है राइट, वो भी यहाँ पे खराब होता जा रहा है, पीने का पानी यहाँ पे खराब होता जा रहा है। तो अभी क्या है, इसकी जगह पे जो है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो अब जगह ले रही है, उसके जो है ना, इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा जो है नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। तो कुछ इकोनॉमिक्स जो है, वो ये भी सोचते हैं डैट कि इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लिक कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन होल्डिंग, तो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन। अब क्या हो रहा है, होल्डिंग भी छोटी छोटी हो रही है, लोगों के पास लैंड भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। एक पिता है, ठीक है, उसके पास सपोज करो यहाँ पे 5 एकड़ जमीन थी, है उसके 5 लड़के हैं, तो वो 5 एकड़ जमीन जाके जो है एक एक एकड़ ही रह जाएगी, तो उसके ऊपर खेती यहाँ पे की जाएगी। तो वो जो पहले इतना 5 एकड़ का खेत था, अब छोटे छोटे खेत हो गए, तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, 250 मिलियन अप्रोक्सीमेट हेक्टेयर जो है एग्रीकल्चर लैंड का, 250 हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो है यहाँ पे खेती की जा रही है। बड़ी पॉपुलेशन जो है ना, वो इस लैंड के ऊपर ही डिपेंड है। तो इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। तो अभी क्या होगा, अभी जो है ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना होगा, क्रॉपिंग पैटर्न उसे डाइवर्सिफाई करना होगा। हाई वैल्यू क्रॉप जो होती है ना, वो भी यहाँ पे ग्रो करनी, सो डैट की उनकी इनकम बढ़ सके, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो जाए। साइमल्टेनियस फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, ठीक है, तो दे आर मच लेस इरीगेशन देन राइस और शुगर, उन्हें जो है ज्यादा ज्यादा पानी की जरूरत ही नहीं है, एंड इससे इनकम भी ज्यादा होती है देन द राइस एंड शुगर। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, एंड इसे हम हार्नेस कर सकते हैं हाई वैल्यू क्रॉप को ग्रो करने, राइट। सो डेट्स ऑल फॉर द डे, एंड विद दिस हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी टोटली कंप्लीट हो चुका है एग्रीकल्चर वाला। एंड इन अवर नेक्स्ट वीक स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, एंड अगर आपको मेरा पसंद आया तो